हम लोग जब डिस्पैच में कोई अपना मांग हक अधिकार का लेटर देते हैं तो विनय बाबू करके कहे है जो बहुत बड़ा हिटलर बना हुआ है मैडम का डायना है ठीक ना एकदम लाइव टेलीकास्ट करवा दीजिए हम देख लेंगे उसको वो जो है वो जो है क्या कहता है कि डिस्पैच में कोई लेटर नहीं लगा गार्ड लोग को और अगर देना है तो जाके मैडम से लिखवा के लाइए तो कहाँ का ऑथोराइज है ये कहाँ का नियम है कि अगर कोई डिस्पैच में पेपर देगा अपना मांग मांग के संबंध में अपना डिमांड के लिए तो जो है सो डिप्टी डायरेक्टर मैडम से या अफसर से लिखवाना होगा ये कहाँ का नियम है डिस्पैच में कोई भी दे सकता है कोई भी दे सकता है तो मैडम क्या मैडम के पास जाने से मैडम क्या बोलती है कि ये यूनियन है तो जी इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया कब हुआ दोबारा ये लेटर नहीं आना चाहिए सर से नहीं तो आउट कर देंगे हमारा ये मांग है कि अभी जो बहाली निकाला गया है इसको रद्द किया जाए अलग से ऑल इंडिया ओवर का निकाला गया है तो हम लोग लोकल का है तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलना चाहिए जब तक हम लोग से वार्ता नहीं हो जाती तब तक ये बहाली की प्रक्रिया रोका जाए और नहीं तो बाहर के जो भी लोग यहाँ जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनको हम लोग किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे भी अब जो लोग खट रही है उन लोग को अब हटाना चाह रहे हैं तो मैं यंग लड़की लोग है अब सुरक्षा कर्मी भी देख लीजिए अब इन लोग के साथ देखिए कि पेशेंट को भी तेल तक ही लोग लगाता है आज 2 दिसंबर यानी शनिवार को रांची स्थित काके के टीना ग्राउंड में रिम पास में अस्थायी रूप से कार्यरत नर्सों एवं रिम पास में कार्यरत महिला तथा पुरुष सुरक्षा कर्मियों के द्वारा संयुक्त रूप से एक जनसभा आयोजित की गई थी। इस जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के प्रतिनिधिमंडल एवं कांग्रेस नेताओं को इन लोगों ने अपनी मांगों से अवगत कराया। इन पास में अस्थायी कार्यरत नर्सों की मांग है नौकरी को स्थायी किया जाए तथा वेतन मान में बढ़ोतरी किया जाए। वहीं ऋण पास में कार्यरत महिला एवं पुरुष सुरक्षा कर्मियों की मांग है कि ऋण पास में वार्डर के पद पर अनुबंध में बहाली का जो विज्ञापन निकला है उसे रद्द करते हुए सुरक्षा कर्मियों को समायोजित किया जाए। आपको बता दें कि इस जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी शामिल होने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा जो इनके दुख दर्द को समझ सके और इनकी मांगों को समझते हुए श्री सहाय को अवगत करा सके। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे दीपक प्रसाद और श्रमिक नेता योगेंद्र सिंह। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुरेश बैठा, राजेश सिन्हा सन्नी, जमीर अख्तर, गुलजार एवं अन्य गणमान्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट, पब्लिक 24। आज काके के टीना ग्राउंड में आया हूँ। आप पूछेंगे टीना ग्राउंड में क्यों आए हैं भाई, तो टीना ग्राउंड में आज जो रीन पास के जो नर्सें हैं, वार्ड अटेंडेंट हैं, एक तरह से उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। इन लोगों का मांग है, सुरक्षा कर्मी भी मांग है कि इन लोगों का एक तो सैलरी का है, एक अस्थायीकरण का है। और हाल ही में आप देखे होंगे कि करीब 10-15 दिन पहले ही एक एडवर्टीजमेंट भी आया था कि हमें ये चाहिए। भैया यहाँ पर सब हैं, 4 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, उसको क्या निकालिएगा आप। तो चलिए इसी संदर्भ में बात करते हैं और लोगों से, और जो वार्ड अटेंडेंट है और नर्सें हैं उन लोग से बात करेंगे। ऐसे आज सुबोध कांत सहाय जी भी आने वाले हैं, आएंगे बाद में देखेंगे, उनका प्रतिनिधि भी आते हैं क्या आते हैं देखते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ मैम। अब आप कहाँ से आए? रिन पास से। रिन पास से जी। क्या प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम है कि मतलब रिन पास हम लोग को सैलरी मतलब नहीं दे रहे, कम दे रहे हैं। सैलरी कम दे रहे हैं जी, और हम लोग को अस्थाई चाहिए। अस्थाई चाहिए। कितने साल से काम कर रहे हैं? 2021 में हम लोग ज्वाइन किए हैं। 3 साल हो गए जी। और एडवर्टीजमेंट का जैसे है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह भी निकला है शायद, आप लोगों को क्या कुछ आप लोगों को छोड़ के बाहर से कुछ लेना लिया जा रहा है? जी जी जी, लिया जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। ये थे श्वेता कुमारी। आपको बता दें ये नर्स जो हैं माँ
का प्यार, बहन का प्यार, भाई का प्यार, सब प्यार देती है। जब पेशेंट जब बेड पर होता है तो उसका जो सेवा क्या क्या नहीं करती है, और उसको उसको ठीक करके फिर वापस भेजती है। इनके साथ अन्याय, चलिए फिर मैं बात करता हूँ उनसे। मैं आता हूँ, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम संजू कुजूर है और मेरी इन पास हॉस्पिटल में काम करती हूँ, 3 साल होने वाला है मेरा अभी। हाँ तो मैम, क्या क्या है, क्या आप जो आप यहाँ पर सुबोध कांत साहे जी आ रहे हैं, सुनील साहे जी आ रहे हैं, दीपक जी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नेता लोग आ रहे हैं, क्या डिमांड है आपका? मेरा यही डिमांड रहेगा कि हम लोग अभी 3 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग को अस्थाई किया जाए यहाँ पे। इतना सालों से हम लोग कोरोना काल में घुसे हैं यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ मान्यता दिया जाए, अस्थाई किया जाए। हाँ, और सैलरी आपको पूरा मिल रहा है? सैलरी तो जो बात हुआ था वो नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग बहुत बार हम लोग डायरेक्टर से बात करने का कोशिश किए पर मना कर दी मिलने से, और अभी चल रहा है वो। और पीएफ एसआई भी कट रहा है? पीएफ एसआई 3-4 महीना कटा है, उसके बाद में क्लोज हो गया है, उसका है प्रूफ हम लोग के पास में। हाँ, तो आपका मतलब मांग है कि अस्थाई और सैलरी? हाँ। तो ये आपको कैसे लगा कि आपको निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा, हम लोग लोकल हैं तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को मान्यता मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं यहाँ पे। तो क्या रिन पास बोल रहे हैं कि आप लोग हट जाइए? हटने का तो अभी तक बात नहीं हुआ है, फिर यहाँ वैकेंसी निकाला गया है 18 स्टाफ नर्स का, वहाँ ST का भी स्टाफ बहुत मतलब कि 5 ही सीट है, तो उसमें हम लोग 54 नर्स जो कोरोना काल में हम लोग घुसे हैं, तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पे? हम लोग को तो करना है यहीं पे, है ना? तो हम लोग लोकल हैं तो पहले तो हम लोग को ही रखना चाहिए मैम को। ये थे संजू जी, और बोल रहे हैं कि कोरोना काल में सेवा। हाँ, कोरोना काल में तो भाई हम लोग भी देखे हैं कि कैसे अपने जान को जोखिम में डाल के ये बहनें काम की हैं, वो तो हम लोग भी देखे हैं, हम लोग भी जानते हैं, और लोग से जानेंगे। और हाँ बोलिए, बोल रहे थे जो वैकेंसी निकला हुआ है 18 मेंबर का, और उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का, और हम लोग तो यहाँ पहले से ही कर रहे हैं, 3 साल होने वाला है, 3 साल होने वाला है, तो फिर हम लोग से क्यों एक्सपीरियंस मांगा जाए, हम ही लोग को रखा जाए? अलग से ऑल इंडिया ओवर का निकाला गया है, तो हम लोग लोकल का हैं तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलना चाहिए, है ना? वो मैं कहना चाहती हूँ। और तो मतलब आपको मतलब संतुष्टि जो एक होना चाहिए रिन पास के डायरेक्टर से, तो रिन पास के अभी तक कोई संतुष्टि नहीं हुआ हम लोग को, सब चीज में झोल झाल है यहाँ पे, सब चीज में। ये थे संजू जी, और बोले थे कि सब चीज में झोल झाल है, और मैं जानना चाहूँगा हमारे इधर हैं सब हमारे, तो इन लोग से मैं भी जानना चाहूँगा भाई साहब से, आप नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम सगीर अहमद हुआ, हम रिन पास में बीते 23 साल से स्वच्छ कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, अभी हम सुपरवाइजर हैं रिन पास में। देखिए रिन पास में 25-26 साल से बहाली नहीं, मैंने वैकेंसी नहीं निकाला, हम सुरक्षा कर्मी अभी 245 लगभग 46 लगभग हैं, हम लोगों से 22-23 साल से सुरक्षा कर्मी के नाम पे रख करके लगातार हम लोगों से वार्ड अटेंडेंट का कार्य लिया जा रहा है, जिस वार्डर को 50-60 हज़ार रुपया महीना दिया जाता है, उस काम को हम लोगों ने 1700 रुपये से करते हुए अभी 86-8600 रुपया देता है गार्ड को, तो हम लोग इस उम्मीद पे काम किए कि आज ना कल जब भी बहाली होगी तो हम लोगों को प्राथमिकता और उम्र में छूट दिया जाएगा और हम ही लोगों को रखा जाएगा, है ना? तो हमारा ये मांग है कि अभी जो बहाली निकाला गया है इसको रद्द किया जाए, और
हम सभी सुरक्षा कर्मियों को समायोजित किया जाए, क्योंकि सुरक्षा कर्मी के नाम पर रख करके हम लोगों से वार्ड में मरीज का सेवा करना, नहलाना, नाश्ता कराना, खाना खिलाना, उसको तेल लगाना, यहाँ तक कि मरीज अगर रिम्स चला जाता है तो तीनों सीट में रिम्स में जा करके मरीज का वहाँ सेवा करना, और अगर गार्जियन मरीज को लेने नहीं आता है तो रिम्स प्रशासन के द्वारा हम लोगों को उसका घर भेजा जाता है कि जाओ इसको उसका घर पहुँचा के आओ। कोरोना ऐसा मैंने महामारी के समय भी हम सभी से मैंने वार्ड में मरीज का सेवा करना पड़ा, हम लोग किए। तो आज हम लोग जब दुख में हम किए तो सुख में कोई और आएगा, तो हमारा ये मांग है कि हम लोगों को समायोजित किया जाए, और ये जो निकाला गया है 12 पोस्ट का, 12 मेल 12 फीमेल का वार्ड अटेंडेंट का, इसको रद्द किया जाए। ये थे हमारे साथ सकीर अहमद। अहमद दास सुन ले दादा की अब देखी इतने इतने आदमी इतने नर्स है सब कितना सेवा कर रहे दादा, तनी तनी ध्यान दे दादा ये सब। अरे अगल बगल के छोड़, पहले डायरेक्ट ध्यान दे दादा। अच्छे बात कर रही है, और आइए मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा, आप अपना नाम बताएंगे। प्रदीप राम। कहाँ से? सुक्रोटू कहाँ के वाची। कहाँ काम करते हैं? इन पास में सुरक्षा कर्मी के पद पे। क्या प्रॉब्लम आ गया जो इस तरह से सुबोध कांत साई जी को यहाँ बुलाए हैं, क्या है इसके बारे में? हम लोग के हक अधिकार दिलाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था, समझे ना। और हम लोग करीब 15 साल 16 साल कोई 20 साल से सुरक्षा कर्मी के पद पे रहते हुए हम लोग को वार्डर का काम लिया जाता है वार्ड में, ठीक ना। और वार्डर का काम जो है मरीज का सेवा करना, चाहे वो सेवा जिस रूप का हो, उनको नहलाना, खाना खिलाना, नाश्ता कराना, जांच कराने के लिए जांच में ले जाना, अगर रिम्स रेफर होता है पेशेंट तो रिम्स ले जाना, तीनों पाली में उनको देखभाल करना। उसके बाद अगर उनका गार्जियन छुट्टी होता है और उनका गार्जियन नहीं आते हैं तो हम लोग को ले जाकर के पहुंचाना पड़ता है, ठीक ना। अच्छा, कोरोना काल में भी हम लोग यही काम करते हैं। दूसरा बात क्या है कि टेंडर तो रिम्स पास निकालता है, टेंडर देता है किसी और को, लेकिन हर टेंडर में गुंडेगिरी और दलाली होता है, ठीक है। कुछ लोग एजेंसी से मिल करके अपना आदमी को रखवाने के चक्कर में जो पहले से काम करते रहते हैं उनको निकलवा देते हैं, बैठवा देते हैं, आप पैसा लेकर के दलाल लोग अपना आदमी को रखवा देते हैं। ये सबसे बड़ा जो है सो डिमेरिट है गार्ड लोगों के लिए। दादा गौर से देखिए, गौर से सुनिए इनका बात। सबसे बड़ा ये जो है हम लोग के लिए हानिकारक है। दूसरा बात क्या है कि जब ठेकेदार को टेंडर दिया गया है सुरक्षा कर्मियों के काम कराने के लिए, तो मैनेजमेंट रिन पास क्यों बैठाता है गार्ड को? ठेकेदार ना बैठाएगा? जरा सा गलती होता डायरेक्टर मैडम बैठा देती है। तो ये कौन सा है, चीतरपट अमेरिका ही सा? हथियार देगा पाकिस्तान को, हमला करवाएगा भारत को, बोलेगा हम शांति चाहते हैं, ऐसा होता है? तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोग का उम्र खत्म हो गया यहाँ काम करते करते, हम लोग का बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया, ठीक ना। तो हम लोग का बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा लिखेगा, तो जो बाप कर रहा है गार्ड का काम तो बाल बच्चा भी गार्ड का काम करेगा। तो लास्ट में हम लोग के पास दो ही ऑप्शन बनता है ना, या तो आंदोलन करेंगे या फांसी लगा लेंगे, यही ना करेंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हम लोग पास। इसका जिम्मेवार रिन पास होगा। और दूसरी बात क्या है, एक डिप्टी डायरेक्टर आई हुई है, जेपीएससी अधिकारी है सीमा सिंह, उनके हम लोग जब डिस्पैच में कोई अपना मांग हक अधिकार का लेटर देते हैं तो विनय बाबू करके कहे है, जो बहुत बड़ा हिटलर बना हुआ है, मैडम का डायना है, ठीक ना, एकदम लाइव टेलीकास्ट करवा दीजिए, हम देख लेंगे उसको। वो जो है वो जो है क्या कहता है कि डिस्पैच में कोई लेटर नहीं लगा गार्ड लोग को, और अगर देना है तो जाके मैडम से लिखवा के लाइए। तो कहाँ का ऑथोराइज है ये, कहाँ का नियम है कि अगर कोई डिस्पैच में पेपर देगा अपना मांग के संबंध में, अपना डिमांड के लिए, तो जो है सो डिप्टी डायरेक्टर मैडम से या अफसर से लिखवाना होगा, ये कहाँ का नियम है? डिस्पैच में कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो मैडम क्या, मैडम के पास जाने से मैडम क्या बोलती है कि ये यूनियन है, तो जी इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, कब हुआ, दोबारा ये लेटर नहीं आना चाहिए सारा से, नहीं तो आउट कर देंगे। आप जेपीएससी अधिकारी हैं, कानून पढ़ के आए हैं, संविधान पढ़ के आए हैं, बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ आप पढ़ के आए हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि ये क्या लेटर है, आप क्या दे रहे हैं, क्या मांग है इसमें, हमको उसको पढ़ना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, तो आप गार्ड को बोलते हैं आउट कर देंगे, ये क्या नियम है, ये हिटलर सही है कि नहीं? एकदम हिटलर सही है, एकदम हिटलर सही है। ये तो इसलिए ये सब रिन पास में जो दादागिरी हो रहा है, जो दलाली हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। नहीं तो हम लोग तो अपना हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाला भी समझ ले कि आने वाले समय में क्या होगा उसके साथ में, ठीक ना। ये तो बहुत एग्रेसिव थे, सही बात है, जिस पर बीतता है बाल बच्चे पर बीतता है, जिसके परिवार पर बीतता है, तो एक एग्रेसिव होना भी लाख चाहे लेकिन होता ही है।
बहुत ही, और ये जो आरोप लगाए जो वहाँ के बिने हैं, और जो इस तरह से तो नहीं होता भैया, डिस्पैच जब होता है तो डिस्पैच लेटर दे दिया, ये नहीं कि डायरेक्टर से मिलकर और उससे तो साइन, ये बहुत सही में ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन एक यहाँ पर हैं हमारे युवा नेता हैं जमील अख्तर जी, बहुत काम करते हैं ये, गांव-गांव जा करके रात हो दिन हो 24 घंटा कभी भी, और एक उभरता हुआ नेता हैं, माशाल्लाह देखने में भी बहुत अच्छे हैं, तो इनसे बात करेंगे। हाँ आप जमील जी बताइए, इस पर जो आप किए जो आज का जो बैठक है इस पर आप देखिए, बैठक का मेन मुद्दा है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और स्थानीय लोग हैं और कहीं ना कहीं सब पढ़े लिखे होते हुए भी, कोई नर्स का काम तो नर्स का पढ़ाई लिखाई लोग करता है, लेकिन गार्ड का भी काम कर रहा, आपने देखा अभी कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से आज लोगों को वार्ड अटेंडेंस का हो, चाहे मजदूरी का हो, चाहे सुरक्षाकर्मी का हो, ये सारे लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहाँ भेदभाव का मामला किया जा रहा है यहाँ के लोगों के साथ में। अपने लोगों को ड्यूटी से कोई भी यहाँ बहाली निकलने से पहले या कोई भी जगह खाली होने से पहले अपने लोगों को यहाँ पे जो है ना एडजस्ट किया जाता है, चाहे डायरेक्टर मैडम हो, चाहे वहाँ का कोई पदाधिकारी हो, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को शोषण करने का प्रयास कर रहा है लोग। और अभी जो जो अभी जो 2023-24 का जो ज्ञापन निकला है, मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या चीज़ का कमी है, आपके पास सारे नर्स हैं, आपके पास सारा सुरक्षा गार्ड है, आपके पास सारा सिस्टम है, फिर बाहर से लाने का कोई मतलब बनता नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं सारे लोग मिलकर। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दास से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे पदाधिकारियों को, भ्रष्ट पदाधिकारियों को सस्पेंड करिए, हटाइए और अच्छे लोग को लाइए, ताकि यहाँ जो लोग खट रहे हैं नर्स दीदी लोग, कम से कम कोरोना के दौरान में जिस समय सारे लोग अपने घर में लोग भटक भटक के किस तरह हो रहे हैं, लेकिन आज उस समय भी यहाँ के लोग जो हैं दीदी लोग हो गए, चाहे यहाँ के सुरक्षाकर्मी दादा लोग हो गए, ये लोग अपने जान जोखिम में डाल के यहाँ के सभी लोगों का मदद किया, आज उन्हीं को हटाने का जो है ना प्रयास करने किया जा रहा है। आपने इससे पूर्व देखा होगा कि 65 साल के लोगों को नया से बहाली कर लिया जा रहा है, ये क्या मतलब है? आप 65 साल का या 25 साल का जो लड़की लोग खट रही है उसको हटा के आप 65 साल के लेके लोगों को महिला लोगों को लेके आ रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? 65 साल की एक महिला क्या कर सकती है? रिटायर होने के बाद ऐसे भी घर में रहती है वो लोग। अब जो लोग खट रही है वो लोग को आप हटाना चाह रहे हैं, तो मैं यंग लड़की लोग है। अब सुरक्षा कर्मी भी देख लीजिए, अब इन लोग के साथ देखिए कि पेशेंट को भी तेल तक ये लोग लगाता है, हम लोग देहाती भाषा में तेल बोलते हैं उसको, तेल तक लगाता है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है, चाहे रिम्स में भी जरूरत पड़ता है, चाहे जहाँ भी जरूरत पड़ता है, सारे लोग ये करते हैं। आज कोई दूसरा कोई आएगा इनके जगह में, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है रद्द होना चाहिए, और नहीं तो इसमें पुरजोर आंदोलन युवा कांग्रेस करेगी। आज जो बैठक हुई है, सुबोधकांत साहे जी नहीं आए, उनके प्रतिनिधि आए, तो उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या आप लोग करेंगे आगे? इन शॉर्ट बस हम ये बोलेंगे कि लास्ट में सर जो बोले थे कि हम लोग सब एक है, कोई स्वीपर नहीं, कोई बड़े अधिकारी नहीं, ठीक है ना, सबको एक होकर के लड़ना है, तो उनका ये वर्ड हम लोगों के लिए बहुत ही प्रोत्साहन का बात है। हाँ, बहुत प्रोत्साहन का बात है और प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग के लिए ये लड़ाई आगे तक जाएगा और हम लोग को सफलता मिलेगा। नाम बताएंगे? दीमा नाम है। और मैं बात करूंगा, मैडम यहाँ पर हैं जो कि इन लोग जी जान से लगे रहते हैं पेशेंट के लिए, और ऐसे भी तो आधा पुरुष प्रधान नहीं है भैया, आधा नारी आधा जेंट्स, पुरुष प्रधान मत समझिएगा, अभी औरत आगे है, औरत काली है, दुर्गा है। याद रखिएगा, सरस्वती नहीं बनी, इन लोगों का सरस्वती नहीं है, काली दुर्गा है। बात करेंगे, हाँ आप नाम बताएंगे? जी मेरा नाम श्रुति है, जोर से श्रुति कुमारी। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, जोर से बोलिए ना। हो गया है, मेरा नाम श्रुति हो गया है, सर्दी हो गया, हमने शादी तो नहीं हुआ होगा? नहीं, जब परमानेंट होगा तभी शादी होगा। हाँ बिल्कुल, अपने पैर पे खड़े होंगे पूरी तरीके से, उसके बाद ही शादी करेंगे। तो ये आज का जो मीटिंग हुआ जी, तो इसमें क्या आपका लगा? इसमें हम लोग को सच बताए तो अब जाके लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव वेव मिल रहा है कि हाँ अब कुछ हो सकता है हम लोग का, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बहुत बार कोशिश किए थे, लेकिन बार 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 निराशा ही नज़र आ रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ हम लोग
जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लड़ेंगे और जीतेंगे। इतनी मासूम है, कितनी अच्छी है। अब अरे रीन पास के डायरेक्टर को समझना चाहिए, हेमंत दा आप तो कसम देखिए, अरे कसम देखिए, ये लोग बचपास का नर्स हो या वार्ड अटेंडेंट हो या सिक्योरिटी गार्ड हो, सुरक्षा सब आज मीटिंग की है। आज हमारे साथ सुरेश बैठा जी हैं, एक जाने माने चेहरा है कांके का और विधानसभा लड़ चुके हैं। मीटिंग हुआ उसके बारे में क्या आप लोगों ने बनाया है इसका? देखिए रिन पास में जो बहाली निकाली गई है जिसमें टेक्निकल पेंच डाल दिया है और हमारे लोग यहाँ के लगभग हमको लगता है कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है और काफ़ी दिनों से ये लोग काम किया है और ये लोग को वर्क एक्सपीरियंस भी है, लेकिन सर्टिफिकेट से ये लोग को नहीं इशू किया जा रहा है। ये गंभीर बात है। मैडम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ का डायरेक्टर है, कि जितने भी हमारे यहाँ के लोग पहले से पूर्व में जो काम कर रहे हैं उनको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से जल्द दिया जाए और इन्हीं में से ही बहाल हो, बाहर के बहाली लेंगे तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम लोग भगाने काम करेंगे, वो गेट तक प्रवेश करने नहीं देंगे। सर 4 तारीख तक जैसे बता रही है वर्कर लोग वहाँ के कि 4 तारीख तक की लास्ट, 4 तारीख तक फॉर्म भरने का है जो सरकार जो निकाली थी उस पर, ये डेडलाइन 4 तारीख तक रखा है जरूर, लेकिन हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर तो बहुत जल्द हो सके कल या परसों तक में हम लोग मिलेंगे। इसके लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साय जी भी काफ़ी गंभीरता दिखाए हैं, आज भी इस मीटिंग में उनको आने को था लेकिन दुर्भाग्य से कोहरा हो कारण से वो प्लेन लैंड नहीं कर पाई है और इसी विषय को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे और जब तक हम लोग से वार्ता नहीं हो जाती तब तक ये बहाली की प्रक्रिया रोका जाए और नहीं तो बाहर के जो भी लोग यहाँ जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनको हम लोग किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे का मतलब वही है कि इसको रोका जाए। हाँ बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि 54 नर्स हो गए, बाकी 177 है, तो ये जो दोनों का जैसे कि एक आरोप जैसे लगा रहे हैं कि कुछ अपने ही लोगों का कुछ अपना वहाँ चाह रहे हैं। हाँ ये गड़बड़ियाँ हैं। हाँ। जो कुछ लोग अपने चाहते लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। हाँ। और जो लोग यहाँ पहले से पूर्व से काम कर रहे हैं उन लोगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है, तो ये भिन्नता हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ सुरेश बैठा जी, इन्होंने कहा ये भिन्नता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और रीन पास के वर्करों के लिए ये जी जान से लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। तो एक भाई साहब हैं जो रीन पास के हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जो आज मीटिंग होगा इसमें आपको कैसा लगा? इसमें हमको अच्छा लगा क्योंकि हमारे हित में बात किया जा रहा था, इसलिए हमें अच्छा लगा और ये वाला चीज़ होना ही चाहिए था जो आज मीटिंग हुआ, उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिला कि हम लोग और कभी मीटिंग हो ऐसा तो उसमें हम लोग भाग लें। क्या मतलब जैसे आरोप लगा कोई विनय जी हैं वहाँ पर जो कि आप लोग जो आपके देते हैं, जैसे हमारे भाई बताए कि आप लोग जो देते हैं लेटर वगैरह तो कहा जाता है कि डायरेक्टर से साइन कर परमिशन लेगा कुछ भी। हाँ, तो इसमें क्या आपको लगता है कि क्या है वहाँ पर? हमको लगता है वो अंदर ही अंदर कुछ गुट होगा जो कि हम लोग को रोका जा रहा है कि हम लोग कुछ चीज़ ऐसा चीज़ दे दे कि हम लोग को रिसीव कर लिए हैं, वो चीज़ के कारण वो लोग नहीं लेने खोजता है। वो भी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हेमंत कुजूर। ये थे हेमंत कुजूर। ध्यान दे दादा, अच्छी बहनें सब हैं, इन लोग को तो कम से कम ध्यान दीजिए। मैं देवानंद, पब्लिक।